गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग हमारा है जी इंटीरियर के बारे में गाड़ी के। तो हम आपको दिखाते हैं जी हमने गाड़ी में क्या अपना इंटीरियर के अंदर चेंजिंग करनी है। तो इंटीरियर का पार्ट थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करनी है, तो इसको हम 2 से 3 पार्ट्स में शूट करेंगे। आपको ना मैं सारा कुछ डिटेल में व्लॉग के एंड पे बताऊँगा कि हमने क्या चीज़ कितने की ली है और कहाँ से ली है। फिलहाल आप ये देखें। अच्छा जी, कपड़ा हमने अपना ना खुद ही पसंद करके ले लिया। कपड़ा अपना अलग से पसंद करके खुद लेने के फ़ायदे ये हैं, पहला कि जी आप अपनी मर्ज़ी का कपड़ा ले सकते हैं, कि आपके पास वैरायटियां बहुत ज़्यादा होती हैं, अपने पसंद का जो आपका दिल है वो ले लें कपड़ा। दूसरा, अगर आप जाके लेते हैं कपड़ा खुद तो आपको रेट में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप जाते हैं किसी पोशिंग वाले के पास, उसको कह दें कि भाई जी मुझे कपड़ा लगा दे और ये कर दे, तो वो जब आपका बिल बना कर लाएगा तो आपकी एक दफ़ा आँखें खोल जाएंगी। तो आप अपना बेहतरीन यही है कि थोड़ी सी मेहनत कर लें और अपना कपड़ा भी खुद लेके आके उसको दें, और जिस तरह आपने अपना काम करवाना है तो खुद अपने हिसाब से अपने उसके सर पे खड़े होके आप काम करवाएं। ये है जी कपड़ा जो हम अंदर लगाने लगे हैं। हमारे रूफ़ का काम हो गया जी कंप्लीट। ये पार्ट 1 है, इसके अंदर सिर्फ रूफ का ही होना था क्योंकि ये काम है काफ़ी लंबा, तो इसके अंदर इसको मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दिखाऊंगा। अभी सिर्फ रूफ का काम करवाया। इसके अंदर मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया था अपनी पसंद से, और वो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया था, तो अब मैंने वो अपनी मर्जी से जाके एक बंदे से लगवाया पोशिंग वाले से, उसको सिर्फ मैंने मजदूरी दी है। बाकी अब मेरा दिल है कि गाड़ी की डिग्गी भी करवा लूँ और क्या नाम है सीटें भी करवा लूँ, बाकी भी छोटा मोटा, और गाड़ी के अंदर से जो बेज कलर है जो कि एक स्टॉक वाली वाइब देता है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। बाकी आपको दिखाते हैं इसके शॉट्स। अच्छा जी, ये हमने सारा काम करवाया फिलहाल रूफ़ का, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था इसलिए सिर्फ आज तो हुआ है सिर्फ रूफ़ का। बाकी ये सारा अपना मैंने करवाना है 1-2 दिन बाद, वो उसका अलग से ब्लॉग आ जाएगा। और जी ये देखें, सारा ये काम आसान है पर अगर आप अपना खुद सर पे खड़े होकर करवाएं तो ये अच्छे तरीके से हो जाता। ये थोड़ी छोटी छोटी डिटेल्स हैं इसके अंदर, जैसे कि ये है, ये अब मैं वहाँ पे नहीं था तो उसने ये बीच में एक चीज़ छोड़ दी है बेज। बाकी इसका भी कोई हल निकालते हैं, और एक सीट बेल्ट का भी कोई हल निकालते हैं। ये मेरा दिल है करोला एक्स की कहीं से ले कर लगा लें। और बाकी ये सनशेड वगैरह अपना इनका भी करवाना है, ये ब्लैक और डार्क ब्लू के अंदर मैंने इसका कंट्रास्ट बनाया। इंटीरियर का कंप्लीट व्लॉग हम किस दिन बनाएंगे जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर सारा हम कवर कर देंगे। बाकी फ़िलहाल जो काम करवाया वो ये, अभी इसके ऊपर ग्लू लगी हुई है जो कि बाद में साफ़ हो जाएगी।